हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे हम गरारेदार क्रिस्पी नमकीन पास्ता बना के दिखाएंगे, जिसे हम स्नैक्स में चाय के साथ ले सकते हैं। ये बड़ी ही मज़ेदार लगता है, बड़े बच्चे सभी पसंद करते हैं। तो चलिए हम फटाफट इसे बनाना शुरू करते हैं। क्रिस्पी चटपटी पास्ता बनाने के लिए हम यहाँ पे 200 ग्राम पास्ता लिए हैं। पास्ता हमारा एल्बो शेप वाला है, आप कोई भी शेप का ले लीजिए। पास्ता फ्रेश होना चाहिए। आजकल पास्ता चावल का, सूजी का, आटे का आ रहा है, तो आप जो भी पास्ता लाएं, सभी पास्ता अपनी जगह पे अच्छा होता है। तो चलिए हम पास्ता को सबसे पहले उबाल लेते हैं। गैस पे हमने 1 लीटर पानी उबालने के लिए रख दिया है। आप देख सकते हैं पानी में अच्छे से उबाल आ चुकी है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक और साथ में हम डालेंगे 1 चम्मच तेल। आप कोई भी तेल यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि ये क्रिस्पी पास्ता हम बनाने जा रहे हैं। अब उबलते हुए पानी में हम ये अपना पास्ता डाल देंगे। पास्ता को हम करीबन 3 से 4 मिनट तक उबालेंगे। ध्यान रहे, आपको इसे 90% तक ही कुक करना है। तो हमने पास्ता को 90% उबाल लिया है। एक बार आपको दिखा देती हूँ। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ऐसे आप चेक कर लीजिए। तो ये अपना पास्ता ओवर कुक नहीं हुआ है, जस्ट 90% कुक हुआ है। हम गैस को ऑफ कर लेंगे और इसे एक स्ट्रेनर में छान लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक बॉल में एक स्ट्रेनर रखा है, इसमें हम छान लेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी तुरंत डाल देंगे। इससे क्या होता है, इसके हीट से उभर कुक नहीं होता है और ये जल्दी ठंडा हो जाता है। तो हमने इसे छान लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में ऐसे ट्रांसफर करके और पंखे के नीचे फैला के रख देंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अपना पास्ता उबला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी पास्ता जो है ड्राई हो गई है। ड्राई यानी कि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल चुका है। इसमें हल्का सा मॉइस्चर है, तो हमें इतना चाहिए पास्ता, क्योंकि जब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे तो अच्छे से इसमें मसाला चिपकना चाहिए। तो इसे हम फिर से बोल में ट्रांसफर कर ले रहे हैं। अब हम पास्ता में डालेंगे 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर। स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे। तो ध्यान रहे, यहाँ पे हमने उबालते टाइम ही नमक डाला था, तो नमक की क्वांटिटी बहुत ही कम डालना है। हमें चटपटा बनाना है, तो हम इसमें थोड़ा सा मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा हम इसे जीरा पाउडर डालेंगे और कलर के लिए हम थोड़ा सा हल्दी भी डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और 1 चम्मच हम आमचूर पाउडर डाल देंगे। तो चलिए हम सभी मसाले मिक्स कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें हल्के हाथों से चम्मच घुमाना है। थोड़ा सा मॉइस्चर जो होता है अपने पास्ता में, उसमें अच्छे से ये निपट जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब ध्यान से देखिए, अपने हर एक पास्ता पे अच्छे से मसाले की कोटिंग हो चुकी है। तो अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। हम एक पास्ता डाल के चेक करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, जब हमने पास्ता डाला तो उसमें तेल में अच्छे से बबल्स आ रहे हैं और पास्ता अपना तैर के ऊपर आ गया। तो यही तेल की हमें गर्माहट चाहिए, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। अब हम क्या करेंगे, पास्ता को हम एक ऐसे जाली में डाल लेंगे और ऐसे हम थोड़ा सा हिला देंगे। इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा जो ड्राई मसाला होगा वो अपने तेल को गंदा नहीं करेगा, इसी बॉल में आके गिर जाएगा। अब हम इसे तेल में डालेंगे, तो हम आराम से ऐसे पास्ता को तेल में छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी उछल उछल के पास्ता फ्राई हो रही है। हमने पास्ता को तेज फ्लेम पे डाल तो दिया, पर अब हम इसे मीडियम टू स्लो करके क्रिस्पी करेंगे। तो इसे क्रिस्पी करने में हमें 3 से 4 मिनट लग सकता है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक इसमें खनकने की आवाज़ ना आए, तब तक आप इसे अच्छे से फ्राई कीजिए। हमने इसे 5 मिनट तक मीडियम टू स्लो फ्लेम पे फ्राई किया है। तो आपको एक बार हम सुना देते हैं, आप सुन सकते हैं बिल्कुल खनकने की आवाज़ आने लगी है अपनी कुरकुरी पास्ता से। तो आपको ऐसे ही क्रिस्पी करके फिर इसे छानना है। तो चलिए हम इसे एक प्लेट में छान लेते हैं। ऐसे हम चम्मच से सभी पास्ता को ले लेंगे और कुछ सेकेंड ऐसे हम टेढ़ा करके रख लेंगे। इससे एक्स्ट्रा तेल गिर जाएगा। फिर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी पास्ता बनकर तैयार हुई है। आप आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो बाकी का भी पास्ता हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। ऐसे हम थोड़ा थोड़ा पास्ता करके दूसरा बैच भी छान लेंगे। तो यहाँ पे हमने बैचेस में सारे पास्ता को फ्राई कर लिया है। सेम प्रोसेस था वही। मीडियम फ्लेम पे हमें क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। चम्मच से टेढ़ा करते हुए प्लेट में निकाल लेना है। तो ऐसे आप भी फ्राई कीजिए पास्ता को। हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और एक बार हम आपको पास्ता की खनक सुना दे रहे हैं, कितना क्रिस्पी हुआ है आप सुन सकते हैं। तो चलिए हम इसे एक अलग बोल में ट्रांसफर कर ले रहे हैं। ये ठंडा होने पे और भी क्रिस्पी होता है। हम पास्ता को एक बॉल में ऐसे ट्रांसफर कर लेंगे। इससे क्या होगा, नीचे जो अपना तेल होगा वो भी अलग हो जाएगा और ये फ्रेश पास्ता अपना रहेगा। पास्ता को हमने बॉल में ट्रांसफर कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे भर के चाट मसाला, तभी तो ये चटपटा अपना पास्ता तैयार होता है। आप चाहें तो अलग से जीरा, ब्लैक पेपर, अमचूर पाउडर और काला नमक डाल सकते हैं। लेकिन जब चाट मसाला अवेलेबल हो तो सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें होता है। तो यहाँ पे हम चाट मसाला ही डाल रहे हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार डालिए। तो थोड़ा सा हम और डाल ले रहे हैं क्योंकि इसे हमें चाय के साथ खाना है तो चटपटा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया क्रिस्पी करारेदार अपना नमकीन पास्ता बनकर तैयार है। इस रेसिपी को आप गर्मा गर्म चाय के साथ लीजिए या एयर टाइट कंटेनर में भर के कभी भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए।